दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ अबाउट द सिम कार्ड इन मलेशिया। अगर आप किसी देश में घूमने जा रहे हो तो उस देश में जाकर पहला जो चीज़ आप लोग ढूंढते हो दैट इज़ द सिम कार्ड। कैसा सिम कार्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो इनिशियली आप जो किसी कंट्री में जाते हो एयरपोर्ट से हम लोग सिम कार्ड ले लेते हैं। बेसिकली माई प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था थाईलैंड का, नेपाल का, बांग्लादेश का, मैं वहाँ पर जाकर एयरपोर्ट से ही यूजुअली आई टुक द सिम कार्ड। बट मलेशिया में सिम कार्ड एयरपोर्ट से आपको नहीं लेना है। हाँ जी दोस्तों, एयरपोर्ट से सिम कार्ड मलेशिया में कुआलालंपुर में आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट से अगर ले लेंगे आप मीन कार्ड ह्यूज लॉस, आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब मैं 3-4 दिन पहले कुआलालंपुर एयरपोर्ट में लैंड किया तो आई हैव फाउंड लॉट ऑफ सिम कार्ड शॉप्स, बट वहाँ पर जो मैंने पूछा सिम कार्ड का प्राइस कितना है, कितना हम लोग मैं डेटा पा सकता हूँ, बिकॉज मेरा कॉलिंग का तो कोई कार्ड लेने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा हूँ। सो आई हैव टू टेक द ओनली द डेटा कार्ड। सो डेटा कार्ड के बारे में जब मैं पूछा, वो लोग मुझको सजेस्ट किया ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्लान। 4-5 शॉप से मैं इंक्वायरी किया इन द एयरपोर्ट, वो लोग बोला फॉर 25 रिंगेट देने के बाद आपको दिया जाएगा 1 वीक का एक टूरिस्ट सिम। वहाँ को आपको डेटा मिलेगा सिर्फ 1 GB और 1-2 जगह पे 1.5 GB बोला गया था। जो सोचिए 25 रिंगेट में आपको मिलता ओनली 1.5 GB। तो मैंने सोचा इट्स बिकमिंग सो मच एक्सपेंसिव, ठीक है छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाकर किसी सिटी में जाकर पूछते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है कि नहीं। सो मैं सिम कार्ड नहीं लिया, आई केम डाउन, वहाँ से मैं बस पकड़ के आ गया था केएल सेंटर। केएल सेंटर मतलब जो कुआलालंपुर सेंटर है, स्टेशन है, जो मेन सेंटर होता है ना जैसे एक शहर का, केएल सेंटर इज़ लाइक दैट। केएल सेंटर में आया और वहाँ पर मुझको मिल गया एक 7-Eleven का शॉप। आप जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो वो लोग तो पता ही होगा व्हाट इज़ 7-Eleven। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल अभी तक नहीं किया है, करने वाले हो आप, लेट मी टेल यू, 7-Eleven एक वर्ल्ड फेमस एक मार्केट है, शॉप है, हाइपर शॉप आप बोल सकते हो। वहाँ पर सब कुछ आपको सस्ते में मिल जाता है। तो मैं 7-Eleven में जाकर पूछा दे अबाउट द सिम कार्ड, वहाँ पर सिम कार्ड भी सेल होता है। सो वहाँ से मुझको सिम कार्ड मिला। आई टुक दिस सिम कार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है यू मोबाइल का सिम कार्ड मैं लिया फ्रॉम द 7-Eleven। तो यू मोबाइल का ये सिम कार्ड मुझको वहाँ से मिला सिर्फ 8.50 का। मीन्स सिम कार्ड का प्राइस है 8.50 रिंगेट, मीन्स 8 रिंगेट 50 सेंट का मिला ये सिम कार्ड। और इसमें मुझको रिचार्ज करना पड़ा 30 रिंगेट्स का, मतलब हो गया 38.50 रिंगेट का। सो ये 30 रिंगेट का रिचार्ज करने के बाद मुझको मिल गया 7 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा। आप पहले सोचिए 25 रिंगेट देकर मुझको मिल रहा था 1 GB डेटा, 1.5 GB डेटा फॉर 7 डेज। 7 दिन 1 GB तो मेरा एक दिन में ख़त्म हो जाता मैं अगर वीडियो देखता। सो सोचिए ये मैंने ले लिया सिर्फ 38.50 रिंगेट्स में और मुझको मिल गया 7 दिन में अनलिमिटेड डेटा। मैं फ़ोन तो अभी ऑन ही रखता हूँ, मीन्स व्हाट्सअप ऑन, फेसबुक ऑन, आई कैन कॉल माई होम, आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स, व्हाट्सअप से कॉल लेता हूँ, फेसबुक मैसेंजर से कॉल कर लेता हूँ। सो डेटा बहुत है, बिकॉज शहर में ये सिम कार्ड से, यू मोबाइल का सिम कार्ड से इतना सस्ता पड़ा बियॉन्ड ऑफ माई इमेजिनेशन। सो मेरा सजेशन तो ये है दोस्तों, अगर आप मलेशिया में आ रहे हो, जस्ट जो शॉप आपको मिलेगा इन द एयरपोर्ट उसको जस्ट अवॉइड करिए। वहाँ पर एक्सपेंसिव होता है, क्यों होता है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। शहर में आ जाइए, बिकॉज आपको केएल सेंटर में आना ही है। केएल सेंटर मीन्स बस पकड़ के और ट्रेन लेकर जब आप केएल सेंटर में आओगे, केएल सेंटर में जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल है, केएल सेंटर का जो मॉल, उस मॉल में आपको 7-Eleven मिल जाएगा। 7-Eleven में आ जाइए, वहाँ पर जाइए, ये वाला सिम ले लीजिए, यू मोबाइल का सिम ले लीजिए, दैट्स गोना बी सो चीप। 7 दिन के लिए 38.50 रिंगेट का अनलिमिटेड ऑफर आपको मिल जाएगा। सो दिस गाइस, सो अगर आप मलेशिया में आ रहे हो, सो आई होप सो दैट दिस इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्प
हेल्प करेगा सिम लेने के बारे में. सो डोंट बी फूल, एयरपोर्ट से कोई सिम मत लीजिए, स्केल सेंटर में आकर 7-Eleven से सिम लीजिए. होप सो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा वंस यू विल कम इन द मलेशिया एंड कुआलालंपुर. सो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.